हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे जेंटल जायंट डॉग ब्रीड के बारे में, जो कि है ग्रेडेन। अब कई बंदे सोच रहे होंगे, भाई ग्रेडेन इतनी ज़्यादा खुखार दिखने वाली डॉग ब्रीड, जेंटल जायंट दिखने में खुखार बेशक लगती हो कई लोगों को, और कई लोगों को नहीं भी लगती। वो डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर कि आपको ये डॉग ब्रीड खतरनाक लगती है नहीं लगती। हर एक बंदे का नज़रिया अलग होता है और उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उसके लिए डॉग ब्रीड सूटेबल है या नहीं है। मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा ग्रेडेन को लेकर कि आपको ग्रेडेन डॉग ब्रीड लेके आनी है नहीं लेके आनी है अपने घर के अंदर एज अ पैट, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेडेन एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड है या नहीं है। देखो, ग्रेडेन मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ, 90% ग्रेडेन बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते, बहुत काम टेम्परामेंट के होते हैं, इसलिए ही इन्हें जेंटल जायंट कहते हैं। 10% के अंदर वो जाता है कि भाई बांध के रखने के चलते एग्रेशन आ गया, या फिर उन्हें एग्रेसिव बाकायदा करा जाता है ट्रेनिंग देके, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाय नेचर, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, दूसरे डॉग्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, साथ में बच्चों के लिए भी फ्रेंडली है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन इनके साइज़ के चलते गलती से थोड़ी बहुत चोट पहुँचा सकते हैं। अब साइज़ की बात हो ही रही है, तो ग्रेडेन जो डॉग ब्रीड है वो छोटी स्पेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इन्हें प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है जिधर आराम से बैठ सकें, थोड़ा घूम फिर सकें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आप इन्हें अपार्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि अपार्टमेंट छोटे होते हैं, मोस्टली जो स्मॉल साइज़ के अपार्टमेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिर भी कंपेरेटिवली, अगर आपके पास बड़ा अपार्टमेंट में रहते हो या फिर फ्लैट है आपके पास, तो आप एक भाई को रखने के लिए सोच सकते हो। अगर आपके घर में स्पेस है, आपको पता है कि भाई हमारा डॉग यहाँ पर घूम फिर लेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि उसके सामान टकराएगा या फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो बिल्कुल भी इस डॉग की तरफ मत जाना। ये डॉग ब्रीड वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इनका लाइफ स्पैन कंपेरेटिवली दूसरे डॉग से शॉर्ट होता है इनके साइज़ के चलते। और इनमें हेल्थ इशू की बात करते हैं तो इनमें आपको हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया, आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स और भी कई तरीके की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है वो देखने को मिल सकती है। बाकी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम भी वो है जो इनके बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा एज के हो जाएंगे तब आपको देखने को मिलती है, जो कि जायंट साइज़ के डॉग ब्रीड के अंदर ये चीज़ कॉमन है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर दिमाग में लेके चलना कि अगर आप कोई भी जायंट साइज़ की डॉग ब्रीड लेते हो तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम तो कुछ कॉमन होती ही है। तो इसके चलते ये जो जायंट साइज़ की डॉग ब्रीड होती है उनके लिए ये प्रॉब्लम कॉमन मानी जाती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रहती है, अगर आप बच्चों के साथ रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, अपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं है जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका। अगर आपने आज से पहले डोबरमैन या फिर रॉटवाइलर, पिटबुल इस तरीके की डॉग ब्रीड पाली है जो कि थोड़े से जल्दी चीज़ को पिकअप करती है, पोमरेनियन हो गया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ग्रेडेन को ट्रेन करने में। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ग्रेडेन थोड़े से लेजी लर्नर्स में से एक है। अगर आप इन्हें ट्रेनिंग देते हो तो ये जल्दी पिकअप नहीं करते चीज़ों को, तो उसमें आपका टाइम लग सकता है। अदरवाइज अगर आप वैसे घर में शो के तौर पर रखना चाहते हो या फिर फार्म हाउस के लिए रखना चाहते हो तो आप बेझिझक रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है, इनकी ग्रूमिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इनके शॉर्ट कोट के चलते, ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। हॉट क्लाइमेट में इजीली रह लेते हैं, लेकिन ठंड के टाइम इन्हें कपड़े पहना दो तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। इनका शॉर्ट कोट होने के चलते इन्हें ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके अंदर एक ड्रूलिंग की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, ये ड्रूल करते रहेंगे, जैसे कि केन कोर्स हो गया, मैस्टिफ टाइप की जितनी भी डॉग ब्रीड हो जाती है वो मोस्टली ड्रूल करती हैं, आपने देखा भी होगा, और इनके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को भी ज़रूर दिमाग में लेके चलना कि भाई आपका डॉग राल टपका सकता है घर में कहीं पर भी, और ये थोड़े से हाइट में बड़े होने के चलते ये अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के, जैसे कोई इनकी ट्रीट रखी है तो वो भी ईजिली ग्रैब करके निकल लेते हैं, तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप रखना चाहते हो, आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो आप बीजी रख सकते हो। इनके प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इनका जो प्राइस होता है वो आपको 20,000 से स्टार्ट हो जाता है एक ग्रेडेन का, कई बार कम में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो एक एवरेज प्राइस चलता है वो 20,000 का ही चलता है स्टार्टिंग प्राइस। तो आप इसे 20,000 का एक स्टैंडर्ड प्राइस लेके चल सकते हो, आपको इस प्राइस रेंज में स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेडेन के पपीज। अब बात आती है कि ये डॉग ब्रीड किस तरीके से रखी जाए। आप इसे किसी भी तरीके से रख सकते हो, आपको कोई स्पेशल डाइट के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो बचपन से डाइट दोगे, मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा डॉग फूड दे सकते हो ग्रोथ टाइम पीरियड के लिए, बाद में आप धीरे धीरे घर की डाइट पर भी शिफ्ट कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वेजिटेरियन हो तो आप एक वेज डॉग फूड को ही प्रीफर करो, या फिर अगर आप नॉनवेज खिला सकते हो डॉग फूड में तो आप डॉग फूड इसे प्रॉपर दो,
क्योंकि वेज डाइट के अंदर इसे प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाएगी, जिसके चलते इनकी बोन वीक हो सकती है। बड़े साइज की डॉग ब्रीड में खासकर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बाकी आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो अपने डॉग के बारे में, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है या फिर जो भी आपके डॉग के अंदर आपको हेल्थ इशू लगता है, आप उसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका डॉक्टर पर्सनली आपके डॉग को देखता जाएगा बचपन से, तो वो ईजिली बता सकता है। मोस्टली अगर मेरी तरफ से माना जाए तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। स्पेस इन्हें चाहिए होता है तो स्पेस का भी ध्यान रखना, बाकी इन्हें ठंड लगने के और जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं काफ़ी बड़ी एज में, और इनका लाइफ स्पैन भी कंपेरेटिवली कम होता है। तो आप अगर ये फैक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप इजीली इस डॉग की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी और डॉग ब्रीड की तरफ भी जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, और नए हो तो चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।